good day. मैं बनाने जा रही हूँ टैंगी आलू मटर मसाला। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आलू इस तरह से कटे हुए, मटर, हरा प्याज, टमाटर, दो बड़े टमाटर, धनिया, तड़के के लिए जीरा और लाल मिर्च, सरसों तेल, घर होममेड मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, हींग, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले आप कढ़ाई बैठाएं, इसमें आप 3 बड़ा चम्मच तेल डालें, पहले आप हींग डालें, इसे जीरा डालें 1 बड़ा चम्मच, मिर्च प्याज डालें, फिर प्याज डालें, इसे ग्रीन प्याज को लाइट ब्राउन करना है। इस तरह से फ्राई बना देता है, और इसमें आप आलू डालें। इसे आप मीडियम आंच पर 10 मिनट तक भून लें। इस तरह से आलू मटर भून चुके हैं, अब इसमें आप टमाटर डाल दें। इसे सिम आंच पर 5 मिनट तक ढक के भूनें। इस तरह से भून चुका है आलू मटर प्याज, और इसमें आप मसाला डालें। सबसे पहले हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, होममेड मसाला 2 छोटा चम्मच डालें। नमक स्वाद अनुसार डालें। अब इसे आप 5 मिनट तक भून लें। मसाला भुना चुका है, और इसमें आप 2 बड़ा कप कचौड़ी पाउडर डालें। इसे आप 10 मिनट तक सिम आंच पर कुक करें। अब ये टैंगी आलू मटर मसाला तैयार है सब्जी। अब इसमें आप धनिया पत्ती डाल दें। अब ये सब्जी तैयार है, अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे। इस तरह से आलू मटर की टैंगी सब्जी तैयार है। इसे आप फोल्डेड कचौड़ी के साथ सर्व करें।